हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल कतला फिश रेसिपी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। हमने 6 kg का कतला फिश लिया है। ये बिग साइज है, बड़ा साइज में है, आप देख सकते हैं इसे। ये बिल्कुल जिंदा था, ताज़ा है। इसे हम ऊपर का स्किन निकाल कर कट करेंगे। इसका सर के पास जो फूल होता है उसे हम निकाल लेंगे। इसका अंदर का वेस्ट पार्ट को बाहर निकाल लेंगे। अब इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से पीसेस में कट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। हमने मीडियम साइज का पीस कट किया है। पूरी फिश को हमने कट कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसे धो लेंगे अच्छी से। फिश बिल्कुल अच्छी से साफ हो गया है फ्रेंड्स। अब इसमें डाल लेंगे हम हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे। सभी को मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चूल्हे में आग जला लेते हैं। कढ़ाही में डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना। अब डालेंगे इसमें हम सरसों तेल।
तेल को हम गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है फ्रेंड्स, अब इसमें फिश डालकर हम फ्राई करेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, ये प्याज कद्दूकस कर रहे हैं, एक साइड से फ्राई हो गया है फ्रेंड्स, इसे पलटकर दूसरे साइड से फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये फ्राई हुआ है। लास्ट में हम मूढ़ी को फ्राई कर लेंगे। ये भी रेडी हो गया है, हमने सभी फिश को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है फ्रेंड्स। अब इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा मेथी दाना, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, इसमें डालेंगे पिसा हुआ सरसों, अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ प्याज, सभी को मिक्स करते हुए अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ अदरक और लहसुन, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें। मसाला बिल्कुल अच्छे से भुंजा रहा है फ्रेंड्स। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, अब इसमें हम डालेंगे मिर्च पाउडर, पिसा हुआ जीरा गोलकी, मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है फ्रेंड्स, साइड से तेल छोड़ रहा है। अब इसमें डालेंगे मसाला पकने के लिए थोड़ा सा पानी, और इसे चलाकर हम 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया है फ्रेंड्स, अब इसमें हम डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। पानी आप अपना ग्रेवी अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे चला करके हम उबाल आने तक वेट करेंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। फ्राई किए हुए सभी फिशेस को हम इसमें डाल देंगे, और इसे हम इसी तरीके से 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, ये पक गया है, रेडी है, अब इसे हम उतार लेते हैं। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड।
इसे हम प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। हम लोग इसे रोटी के साथ खाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, मस्ती में रहिए।